मलीहा लोधी से उसका पद लेकर मुनीर अकरम को सौंप दिया गया है। पाकिस्तान में अब उन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि मलीहा लोधी को हटाने के पीछे कौन से कारण थे। इमरान द्वारा जो एक्शन फटाफट लिया गया उससे पाकिस्तान की राजनीति में प्रतिक्रिया मचना स्वाभाविक बात थी। वह प्रतिक्रिया इतने बड़े स्तर पर हुई कि कई ऐसे तथ्य भी सामने आए जिनकी वजह से पाक की यूएन में स्थायी प्रतिनिधि को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाना पड़ा। जो लोग यह समझते हैं कि मलीहा के जाने के पीछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री बताना या न्यूयॉर्क में इमरान का ढंग से स्वागत नहीं होना है, वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इमरान के स्वागत की जिम्मेदारी अमेरिका में पाक दूतावास की थी और ट्वीट में कई बार गलती हो जाती है। खुद इमरान खान बहुत बार ऐसे गलत ट्वीट करते रहे हैं। 27 सितंबर में यूएन की अपनी तकरीर में उन्होंने पीएम मोदी को भारत का राष्ट्रपति तक बोल दिया था। मलीहा लोधी एक दशक से यूएन में पाकिस्तान की प्रतिनिधि रही है, लेकिन ऐसे बहुत कम अवसर रहे हैं जब उन्होंने यूएन में पाकिस्तान का पक्ष ढंग से रखा हो। उल्टा उनके कारण पाकिस्तान को कई बार अपनी किरकिरी का सामना करना पड़ा। अब जाकर पाक मीडिया में इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि मलीहा लोधी के भारतीय राजनीतिक के अधिकारियों से करीबी संबंध रहे हैं। इनमें एक अधिकारी के साथ तो उनका काफी आना जाना रहा है। यह भारतीय अधिकारी न्यूयॉर्क में तैनात है। पाकिस्तान सरकार इस मामले में बड़ी तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है। ऐसी बात नहीं है कि इमरान सरकार केवल अपने फैसले को सही ढंग से ठहराने के लिए मनगढ़ंत आरोप मलीहा लोधी पर लगा रही हो, बल्कि एक बड़ा सबूत भी उसने अब जनता के सामने रखा है। यह एक ऐसा सबूत है जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल 24 सितंबर को जब इमरान खान न्यूयॉर्क में मौजूद थे, ठीक उसी समय हाफिज सईद को लेकर यूएन का निर्णय मीडिया में बड़ी तेजी से सर्कुलेट हुआ था। इसमें यूएन ने हाफिज सईद के बंद पड़े बैंक खातों से उनके खर्चों के लिए 1.5 लाख रुपए हर महीने निकालने का आदेश दिया था। यूएन के इस फैसले को भारतीय मीडिया ने पूरे जोर शोर से दुनिया भर में फैला दिया, जिसके बाद यूएन में पाकिस्तान पर भारत के हमले और धारदार हो गए। पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पेंशन देने और उनके खर्चों की चिंता पर उसकी घेराबंदी की गई। यह सब अकारण नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे मलीहा लोधी का ही हाथ था। दरअसल यूएन के जिस आदेश को 24 सितंबर को सार्वजनिक किया गया था, यूएन ने पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलीहा लोधी को वह लेटर 15 अगस्त को ही सौंप दिया था। यानी मलीहा लोधी को उस आदेश को उसी दिन या अगले दिन सार्वजनिक कर देना चाहिए था, मगर मलीहा ने वह लेटर पूरी तरह दबा दिया। फिर ठीक उस वक्त उसे सार्वजनिक किया गया जब दुनिया के सभी देश अमेरिका में मौजूद थे। बताया जाता है कि मलीहा लोधी ने यूएन के इस आदेश के बारे में पाकिस्तान सरकार तक को अंधेरे में रखा। मलीहा लोधी के अतिरिक्त किसी पाकिस्तानी नुमाइंदे को इस यूएन के लेटर के बारे में जानकारी नहीं थी। बड़ी बात यह है कि मलीहा ने इसे सार्वजनिक करने का जो वक्त चुना वह पाकिस्तान के बिल्कुल खिलाफ था। यह लेटर यूएन के सम्मेलन के बाद भी सार्वजनिक किया जा सकता था, लेकिन मलीहा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यानी लगभग एक महीने से अधिक तक इसे छिपाकर रखा गया, पर मामला अब भी यहां तक नहीं है। मुगलों की पैदाइश और उनके डीएनए का असर अभी और भी बाकी है। अगर अभी भी यह लग रहा है कि यह गेम केवल मलीहा खेल रही थी तो बड़ा मजाक होगा। इसके पीछे इमरान खान के एक मंत्री का भी बड़ा हाथ है, जो पाकिस्तान की सरकार को बदनाम और कमजोर करने में लगे हुए हैं। इस मंत्री का नाम है शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ओहदे पर कायम है। दरअसल ऐसे सारे मामलों की एक एक जानकारी विदेश मंत्रालय को जरूर रहती है। अगर मलीहा खुद भी ऐसा छिपाने की कोशिश करे तो यह संभव नहीं है। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और वह एक एक मुद्दे पर पैनी नजर रखते हैं। खास बात यह है कि अब वे इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं कि उन्हें यूएन से मिले किसी पत्र की जानकारी नहीं थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों से पाकिस्तान में एक चर्चा ने जोर पकड़ा है कि पाक के अगले वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी बनने जा रहे हैं। वे स्वयं भी इसको लेकर उत्साहित है और उनके कई बयान इमरान सरकार को परेशानी में डाल चुके हैं। इनमें यूएनएचआरसी की बैठक से पहले कश्मीर को भारत का राज्य कहने से भी पाक में काफी हंगामा हुआ था। बताया यह भी जाता है कि कुरैशी के इस मकसद में मलीहा लोधी उनकी राजदार रही है। ऐसी भी चर्चा है कि उन्होंने भारतीय अधिकारियों से इमरान सरकार गिराने में मदद मांगी थी, पर यह केवल पाकिस्तानी मीडिया की अफवाह है। हम ऐसा कोई दावा हरगिज नहीं करते हैं, पर यह जरूर सत्य है कि मलीहा लोधी को हाफिज सईद के बैंक खातों से पैसे निकालने का आदेश पत्र 15 अगस्त को ही मिल गया था, जिसे मलीहा ने 24 अगस्त के आसपास सार्वजनिक किया।
जिसकी वजह से अब उनकी छुट्टी हो गई है। अब अगला नंबर पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।